बहुत सीरियस मुद्दा है कि कुछ दिन पहले ये गजट नोटिफिकेशन 7 जुलाई को केंद्र सरकार ने निकाला है जो GST को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत लेके आता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आज इस देश में 1,38,00,000 GST देने वाले लोग हैं वो तुरंत ED के शिकंजे में आ जाएंगे। अब ED चाहे गली मोहल्ले में जाके किसी भी व्यापारी पे, किसी भी बिजनेसमैन पे ED या PMLA का केस लगा देगी, उसको जेल में डाल देगी, उसको बेल नहीं मिलेगा। तो जो देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता है, आज हम दुनिया भर में शायद 70वें नंबर पे हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, बिजनेसेस के लिए, व्यापारियों के लिए बिजनेस करना आसान करना होगा, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अगर बिजनेसेस को PMLA में लेके आया जाएगा, अगर उन्हें ED के शिकंजे में लेके आया जाएगा, तो इस देश में कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा, सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे, इस देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसलिए आज हम इस मुद्दे को एक बहुत बड़े स्तर पे आज इस GST काउंसिल की मीटिंग में उठाने वाले हैं और हमारी ये डिमांड रहेगी कि तुरंत इस गजट नोटिफिकेशन को और जिस तरह से GST को ED के तहत PMLA के तहत लेके आए हैं उसको तुरंत खत्म करना। और किसी स्टेट से संबंध में आपकी बात हुई जो आप? बिल्कुल, हमारी कई स्टेट से बात हुई है, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी यहीं पे हैं, कई सारी स्टेट से हमारे इस मुद्दे को लेके बात हुई है और सबको बहुत चिंता है, खासकर के विपक्ष के राज्यों को बहुत चिंता है कि क्या इसको वहाँ पर बिजनेसेस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और GST कंपनसेशन को लेकर भी कोई बात करेंगे? बिल्कुल, GST कंपनसेशन को भी आगे चल के बात करेंगे।